हाई फ्यूचर बर्ड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सो दिस इज़ सेवेंटी फाइव डेज हार्ट चैलेंज रेगुलर स्टडी ऑफ टेन आवर्स डे वन ब्लॉग सो एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को तो ये हैं सारे मेरे टारगेट्स ये टारगेट्स में और भी टारगेट्स में बाद में ऐड करूँगी बट तो फिलहाल के लिए इतनी ही लिखे हैं मैंने इसमें तो आप देख सकते हो न एक बार और टाइम हो चुका है यहाँ पे आठ पंद्रह और मैंने मैं आप ये पढ़ाई स्टार्ट कर दी है सबसे पहले मैं यहाँ पे ई एम वेव को रिवाइज़ करूँगी और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और यहाँ पे स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट कर दी है ये आप मेरे नोट्स देख सकते हो ये मेरे नोट्स हैं इलेक्ट्रो वेव के तो मैं फटाफट से इनको रिवाइज़ करूँगी फिर मॉड्यूल से ही इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी गाइज मैं नोट्स खुद नहीं लिखती हूँ मैं नोट्स जो है वो अपने प्रिंट निकलवाती हूँ मैं खुद ही स्लाइड्स को एडिट करती हूँ और फिर उनका प्रिंट आउट ले लेती हूँ बिकॉज़ नोट्स यार काफ़ी लेंथी हो जाते हैं और यहाँ पे आधा घंटा लगा मुझे इसे कंप्लीट रिवाइज करने में तो अब मैं इसके मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी मॉड्यूल भी फ़िज़िक्स वाला का ही है हाँ मैं ये बताना भूल गई कि मैं फिज़िक्स वाला के लक्ष्य बैच से पढ़ाई कर रही हूँ और ये वाला मॉड्यूल है इसको मैं अच्छे से सॉल्व करूँगी इससे ई एम एफ बिल्कुल कंप्लीट कर लूँगी और फिर हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है एक छोटा सा शॉट लिया मैंने अभी फ़र्स्ट टारगेट जो है हमारा वो अचीव हो चुका है एंड मेरे पास सारे अभी भी बहुत सारे टारगेट्स पड़े हैं तो अभी मैं नेक्स्ट टारगेट देख रही हूँ कौन सा करूँ तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इन्हेरिटेंस एंड वेरिएशन को रिवाइज तो उसको रिवाइज करने के लिए क्योंकि इस चैप्टर को पढ़े हुए थोड़ा सा गैप हो गया था और ये मेरे नोट्स हैं रुपेश चौधरी सर के तो सबसे पहले मैं इसे माइंड वेब सीरीज से, सीरी से क्विकली रिवाइज़ कर लूँगी और अगर मन हुआ क्योंकि लेंथी चैप्टर है अगर नोट्स पढ़ने का मन हुआ तो ही पढ़ोगे वरना सिर्फ लेक्चर लगा के नोट्स में नेक्स्ट डे पढ़ के नेक्स्ट डे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म कर दोगे तो यहाँ पे लेक्चर में ही मुझे वन आवर फिफ्टी थ्री मिनट्स लग गए तो यू नो इट्स क्वाइट लेंथी तो मैं इसके नोट्स थोड़ी तो रिवाइज कर रही हूँ इतना नहीं पढ़ा जाता मुझसे एक साथ एक ही सब्जेक्ट को तो मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करूँगी बस मैंने आज इसका लेक्चर लगाया सिर्फ तो अभी नेक्स्ट टास्क जो है वो मेरा आता है जो इलेक्शन इन दो हज़ार चौबीस में अभी इलेवंथ की रिवीजन स्टार्ट हो गई है तो उसमें लेक्चर्स चल रहे हैं मोशन इन वनडे के मोशन स्ट्रेट लाइन के उसकी सर ने असाइनमेंट दी है हमारे सर ने तो सर ने कहा था जितने लेक्चर्स होते जाएंगे साथ साथ उतने असाइनमेंट्स करते जाना तो फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने असाइनमेंट से सॉल्व कर लिए यहाँ पर और इसमें मुझे टोटल टाइम लगा है टू आवर थर्टी फाइव मिनट्स तो आगे चलते हैं अभी हमारे तीन टास्क पूरे हो चुके हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ द टास्क हमारे कंप्लीट है अब तो मैं करने जा रही हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेज़ को रिवाइज़ ये मेरे नोट्स हैं समाप्ति मैम के तो मैं इसे रिवाइज करूँगी और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज ही खत्म कर दूँगी क्योंकि ये तो छोटा सा चैप्टर है तो इसका एक दिन में हो जाएगा तो ये मॉड्यूल है ये भी अगेन फिज़िक्स वाला का ही है तो इससे मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड यहाँ पर मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है पूरे मॉड्यूल की तो कुछ क्वेश्चंस थे जो बाहर से थे उनको मैंने स्किप किया है तो यहाँ पे थ्री आवर्स ट्वेंटी एट मिनट हो चुके हैं एंड हमारे चार टारगेट जो है वो पूरे हो चुके हैं तो यहाँ पे मैंने एक न्यू टारगेट ऐड किया पर बाहर ने वो डिलीट कर दिया हाइड्रोकार्बन वाला क्योंकि इतनी ऑर्गेनिक नहीं होगी एल डी की टोन ऑलरेडी इतना बड़ा चैप्टर है तो इतनी ऑर्गेनिक एक दिन में पढ़ना मेरे दिमाग की बात नहीं है तो अभी मैं यहाँ पे रीड करने जा रही हूँ एल्डिहाइड की टोन और काबॉक्सिलिकसड चैप्टर के नोट्स को जो कि हर्ष सर के नोट्स हैं तो मैं इनको रिवाइज़ करूँगी फोर आवर फोर मिनट लगे मुझसे जितना रिवाइज़ हुआ मैंने कर लिया चैप्टर लेंथ है तो मैंने आधा ही किया है और हाँ तो मैंने इस चैप्टर को आधा ही रिवाइज़ किया है अब मेरे पास सिर्फ एक टास्क है फोर टू एट पी की क्लासेस लगाना तो उसमें अभी टाइम है तो जो टाइम बचा हुआ है उतने मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो मैं मॉड्यूल से इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है ज़्यादा नहीं की फ़र्स्ट टॉपिक ही किया है ट्वेंटी फ़ोर क्वेश्चन ही किए मेरे ख्याल से ट्वेंटी फ़ोर हैं जितने भी हैं मुझे अभी याद नहीं है तो इसमें मुझे फोर आवर्स फोटी एट मिनट लग गए क्योंकि मैं साथ साथ नोट्स को रिवाइज कर रही थी पढ़े हुए भी टाइम हो गया था तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा मुझे है ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है ये बट इट्स ओके जो भी है साथ साथ रिवाइज़ कर रहे हो जितना टाइम अभी लगेगा उसको प्रैक्टिस से मैं बिल्कुल कम कर लूँगी ताकि एक क्वेश्चन को मिनिमम से मैक्सिमम uh, से मैक्सिमम फाइव मिनट लगे सॉल्व करने में और यहाँ पे मैं मोशन इन वनडे की सेकेंड लेक्चर लगा रही हूँ लाइव क्लास है ये एम आर सर की और अभी ये वाला जो टास्क है मेरा ये भी कंप्लीट हो चुका है अब मेरी पूरी जो टू डू लिस्ट है वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे टाइम हो चुका है मुझे सिक्स आवर्स फिफ्टी नाइन मिनट यानी कि लगभग सात घंटे मेरी पढ़ाई के पूरी हो चुके हैं एंड अब इसमें मैं न्यू टास्क ऐड करूँगी और पढ़ते जाऊँगी तो जैसे मैंने सुबह सुबह पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ एनाराटें सिर्फ लेक्चर से तो मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म कर लेती हूँ ये मॉड्यूल है बॉटनी का इसमें मेरे ख्याल से दो सौ पाँच के आसपास क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के तो जितने मुझसे सॉल्व होंगे मैं सॉल्व कर दूंगी यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल भी सॉल्व कर लिया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का और यहाँ पे मुझे पढ़ते पढ़ते हो चुके सेवन आवर्स फिफ्टी मिनट्स लगभग आठ घंटे के आसपास हो चुके हैं और मैंने सोचा कि अलग की टोंग का जो बचा हुआ पार्ट है फिर वो भी ख़त्म कर ही लेते हैं आधा पोर्शन जो बच गया तो यहाँ तक मैंने छोड़ा था इससे आगे मैं कर रही हूँ बट मैं थक गई हूँ एट आवर सिक्सटीन सिक्स मिनट्स हो है पंद्रह बीस मिनट मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया मैं अब इस चैप्टर को बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती इसी चैप्टर का मेरा एक बैकलॉग लेक्चर है लास्ट लेक्चर मैंने छोड़ दिया था ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्योंकि ये अगले चैप्टर के साथ लिंक नहीं रखता था मैंने सोचा बाद में कर लेंगे पहले बैकलॉग खत्म कर लेते हैं तो ये लेक्चर मैं आज अटेंड कर रही हूँ और ये लेक्चर के नोट्स तो मैंने साथ के साथ ही प्रिंट निकलवा लिए थे बस ये लेक्चर अटेंड करना रहता था तो ये लेक्चर मैंने अटेंड किया इस मुझे टोटल नाइन आवर्स कंप्लीट हो गए थे इस लेक्चर तक फिर उसके बाद मेरा एक बैकलॉग लेक्चर पढ़ा था इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक का क्योंकि इसमें एन रीडिंग थी तो मेरे पास एन नहीं थी अब मेरे पास एन है तो मैं इस लेक्चर को अब अटेंड कर रही हूँ सिर्फ इसमें सर ने सिर्फ एन रीडिंग करवाई है और ये लेक्चर भी मेरा कम्प्लीट हो चुका है एंड फाइनली मुझे टेन आवर सिक्सटीन मिनट हो चुके हैं दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं दस घंटे पढ़ी रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सो so गाइज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल